हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरपी पब्लिक स्कूल जोगी ठेर सीबीगंज बरेली में। देखिए, यहाँ पर हम आपके लिए सीरीज में जो वीडियो बना रहे हैं वो आप लगातार देख रहे होंगे, और इसमें हम एक्सरसाइज 7.2 का जो क्वेश्चन है वो बचे थे जो आपके लिए बताएंगे, क्योंकि 11 तक आपके सवाल पिछली वीडियो में हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपके लिए 12वां क्वेश्चन है। देखिए, 12वां क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, 12वां क्वेश्चन है आपके लिए, क्या है क्वेश्चन, तो यहां पर है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष इसी क्रम में, यानी किस क्रम में दिए गए हैं, मैं इनका क्रम लिख देता हूं। क्रम है आपके लिए 3.0 और आपके लिए 4.5 और आपके लिए -1.4 और ये है -2.-1। ये है। अब आपके लिए क्या करना है, इसका यहाँ पर सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें इसका फार्मूला मालूम है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, यहाँ पर लिखा भी हैंट के रूप में, 1/2 d1 × d2। ये होता है, यानी d1 d2 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर d1 और d2 जो है विकर्ण है, d1 और d2 क्या है, विकर्ण है, इनके डायगोनल है। ठीक है, अब हमें ये डायगोनल को निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे डायगोनल के लिए, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे, ये डायगोनल एक है और ये डायगोनल दूसरा है। ठीक है, तो हमें इनके बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी, यानी इसको मैं अगर ए मानूं, इसको बी और इसको सी और इसको डी मानता हूं, तब आपके लिए क्या करना है, ए बी ए सी निकालना है पहले, डायगोनल ए सी। तो ए सी डायगोनल है, ए सी डायगोनल है जो, उसको निकालना है हमें। तो आप क्या करेंगे, तो यहां पर हम के इनके बिंदु लिख लेते हैं, यानी 3.0 और सी का बिंदु है -1.4। ये है बिंदु। अब आपके लिए क्या करना है, इसको x1 मानिए और इसको y1, इसको x2 मानिए और इसको मानिए y2। तब आप इनके बीच की दूरी निकाल लेंगे, यानी AC बराबर स्क्वायर रूट के अंदर x2 - x1, x2 का मान है -1 और x1 यानी माइनस का x1 का मान है 3। तो ये हो गया, इसका स्क्वायर कर देंगे। इसी तरीके से यहां पर ये हो गया प्लस y2 - y1, यानी y2 का मान है यहां पर आपके लिए 4 और y1 का मान है 0 होल स्क्वायर। AC बराबर हो जाएगा आपके लिए यहां पर रूट के अंदर -1 और -3 हो जाएगा माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 यानी 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर AC बराबर आ जाएगा रूट के अंदर 4 का वर्ग, यहाँ पर ये हो जाएगा 16 और प्लस यहाँ पर भी 16 हो जाएगा, यानी AC बराबर आ गया रूट के अंदर 32। ये आ गया, ये पहला जो है डायगोनल आ गया है D1, इसको मान लिया हमने। इसी तरीके से हम दूसरे डायगोनल को निकालेंगे, दूसरा डायगोनल है हमारे पास BD, इसको निकालेंगे। यहाँ पर देखिए BD डायगोनल निकालेंगे, B का पॉइंट है हमारे पास 4.5 और D का पॉइंट है हमारे लिए -2.-1। ये है, तब हम इसको निकालेंगे। देखिए ध्यान से, हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा ये x1 और ये y1, ये x2 हो जाएगा और ये हो जाएगा y2। आप सिंपली इसके भी बीच की दूरी निकालनी है आपके लिए, तो आप फार्मूला लगा दीजिए बी से डी तक की दूरी का, रूट के अंदर x2 - x1, x2 का मान है -2 और -x1, x1 का मान है 4 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट के अंदर। अब यहाँ पर आपके लिए हो गया x2 - x1 और इसी तरीके से y2 - y1, y2 का मान है -1 और -y1 का मान है 5 स्क्वायर। तो BD बराबर हो गया आपके लिए स्क्वायर रूट के अंदर -2 - 4, तो ये हो गया -6 का स्क्वायर प्लस
इसीलिए यहाँ पर भी माइनस का 6 हो गया या स्क्वायर हो गया। तो बी डी बराबर स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पर 6 का वर्ग 36 और 6 का वर्ग 36, तो बी डी हो गया स्क्वायर रूट के अंदर 72। ये हो गया डी टू डायगोनल, ये डी टू डायगोनल हो गया। अब आपके लिए क्या करना है, जब पहला डायगोनल निकाल लिया है, दूसरा भी डायगोनल निकाल लिया है, तो सीधे फार्मूला लगा देंगे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर 1/2 डी वन इंटू डी टू। तो ये जाएगा 1/2, डी वन का मान है हमारे पास रूट के अंदर 32 और ये है रूट के अंदर 72। ये है आप सिंपली 32 और 72 में हम देख लेंगे कि कौन से नंबर बाहर आ सकते हैं। तो 32 का हम फैक्टर का ले रहे हैं, तो कर लेंगे 2 से 2 एक कम 2 और 2 छंग 12, 2 से करेंगे तो 2 अट्ठे 16 और यहाँ पर 2 से करेंगे तो 2 चक्के 8 और यहाँ पर 2 से करेंगे 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2। तो यहाँ पर आपके लिए देख सकते हो कि यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 1/2 रूट के अंदर 32 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 और दूनी 16, 16 और गुणे में 2 ये लिख सकते हैं। इसी तरीके से 72 को लिखना है तो इसको भी काट के देख लो, 2 तीन 6, 2 छंग 12, 2 एक कम 2 और 2 अट्ठे 16 और 2 नेम 18 और 3 तीन 9 और 3 एक कम 3। इस तरीके से यहाँ पर जोड़े बना लीजिए, ये 2 का बन गया और ये बन गया 3 का, यानी 2 तीन 6 बाहर आ जाएगा। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 6 बाहर आ गया, इस तरीके से यहाँ लिख लो, ये 6 बाहर आ गया इसके लिए, ठीक है। और बाकी 2 का नहीं बन पा रहा है तो वो स्क्वायर रूट के अंदर 2 लिख देते हैं। अब आप ये देखिए 2 से ये कट जाएगा तो 2 तीन 6 ये कट गया तो बचा 3 रूट 16 गुणे 2 रूट 2 ये बचा। अब आप देखिए यहाँ पर 3 और रूट 16 का वर्गमूल होता है 4 और यहाँ बचा रूट 2 और रूट 2 गुणा में। तो आप देखिए 4 दिए 12 और रूट 2 की गुणा रूट 2 से हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2, यानी 12 गुणे 2 तो टोटल आंसर आ जाएगा 24 और 24 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्षेत्रफल आ गया है, इसी तरीके से यह आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। इस तरीके से आप इस पूरे प्रश्न को हल करेंगे, सबसे पहले डी वन डायगोनल निकालेंगे, फिर इसका डी टू निकालेंगे और उसके बाद इसकी गुणा कर देंगे 1/2 डी वन इंटू डी टू। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 13वां क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो 13वां क्वेश्चन क्या है हम आपके लिए कराते हैं। देखिए यहाँ पर अब आपके लिए 13वां क्वेश्चन है और 13वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करो कि यहाँ पर एक ए बिंदु दे रखा है, ए बिंदु जो है वो -3.2 है और एक बी बिंदु है जो है आपके लिए -5.-5 और यहाँ पर इसी तरीके से एक सी बिंदु है जो है 2.-3 और एक डी बिंदु है जो कि है 4.4 ये है। अब आपके लिए क्या बताना है, एक सम चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो है सम चतुर्भुज के शीर्ष हैं, चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो ये आपको सिद्ध करना है के शीर्ष हैं, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके सभी बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी। पहले यहाँ पर हम इस तरीके से एक साइक्लिक प्रोसेस में ये बना देते हैं, तो साइक्लिक प्रोसेस में बना देते हैं, -3.2 लिखेंगे और ये लिखेंगे -5.5 माइनस का और सी वाला बिंदु है 2.-3 और डी वाला है 4.4 ये है। अब आप सभी के बीच की दूरी निकालेंगे तो हम पहले निकालेंगे ए से बी तक की दूरी, फिर बी से सी तक की दूरी, फिर डी सी डी की दूरी, फिर डी ए की दूरी, सभी दूरियां निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ए बी की दूरी निकालेंगे, ए बी बराबर यहाँ पर देखिए आप ले ए का पॉइंट है -3.2 और बी का पॉइंट है -5.-5 ये है। तो यहाँ पर हम इनके बीच की दूरी निकालेंगे, इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2 और इसको मानेंगे y2। तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, स्क्वायर रूट के अंदर x2 माइनस x1 यानी -5 और फिर माइनस लगेगा और ये माइनस में ही 3 है तो ये प्लस का 3 हो जाएगा और ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 यानी y2 का मान है -5 और y1 का मान है 2 तो माइनस का 2 का होल स्क्वायर
ये हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना आया, तो ये पाँच में से तीन चला गया तो दो आ गया, माइनस का दो का स्क्वायर और प्लस माइनस पाँच और दो सात, माइनस का सात का स्क्वायर, तो ये आ गया आपके लिए दो का वर्ग चार और प्लस सात का वर्ग उनचास। तो यहाँ पर उनचास और चार जोड़ लेंगे, नौ चार तेरह, यानी 53 आ गया, यानी ए बी का मान आपके लिए आ गया 53, ये दूरी आ गई। इसी तरीके से आपके लिए बी सी निकालना है, तो बी सी निकालेंगे यहाँ पर बी वाला पॉइंट है माइनस पाँच कॉमा माइनस पाँच और सी वाला पॉइंट है दो कॉमा माइनस तीन, ये है दो कॉमा माइनस तीन है, यही दिया गया है। अब आपके लिए क्या करना है, इनके बीच की दूरी निकालनी है, तो इसको एक्स वन मानेंगे, इसको वाई वन, इसको एक्स टू और इसको वाई टू, इनके भी बीच की दूरी निकालेंगे स्क्वायर रूट के अंदर एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी दो माइनस, देखिए माइनस का एक्स वन है तो यहाँ हो जाएगा प्लस पाँच का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन, यानी माइनस तीन और माइनस का वाई वन करोगे यानी प्लस का हो जाएगा पाँच स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर पाँच और दो कितना हो गया मिला करके सात, सात का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर पाँच में से तीन चला जाएगा तो दो हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ पर सात का स्क्वायर उनचास और प्लस दो का वर्ग चार, तो यहाँ पर हो गया उनचास और चार, तो यहाँ पर भी 53 हो गया, ये भी 53 यूनिट आ गया बी सी का मान। इसी तरीके से अब हम निकालेंगे सी डी, तो सी का पॉइंट है हमारे पास, सी डी की दूरी निकालेंगे, सी वाला पॉइंट है दो कॉमा माइनस तीन और डी वाला पॉइंट है आपके लिए चार कॉमा चार, इसके बीच की दूरी निकालेंगे, इसको एक्स वन मानेंगे, इसको वाई वन मानेंगे, इसको एक्स टू मानेंगे, इसको वाई टू मानेंगे, सिंपल ही दूरी निकाल लेते हैं, एक्स टू माइनस एक्स वन यानी चार माइनस दो का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन, यानी वाई टू का माना चार माइनस वाई वन का माना माइनस तीन, तो ये हो जाएगा प्लस का तीन क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो चार में से दो गया दो का स्क्वायर और प्लस चार और तीन हो गया सात, चार और तीन कितना हो गया सात का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया आपके लिए दो का वर्ग चार और प्लस सात सत्ते उनचास, तो यहाँ भी 53 आ गया रूट के अंदर 53, ये भी दूरी आ गई। इसी तरीके से हम डी ए निकालेंगे, तो देखिए डी ए निकालेंगे यहाँ पर, डी का मान हमारे पास कितना है चार कॉमा चार और ए का मान है हमारे पास माइनस तीन कॉमा दो, इनके बीच की दूरी निकालेंगे, इसको मानेंगे एक्स वन, इसको मानेंगे बाई वन, इसको मानेंगे एक्स टू और इसको मानेंगे बाई टू, ये। अब आप सिंपली क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू का मान है माइनस तीन, एक्स वन का मान है चार का होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस वाई वन, बाई टू का मान है दो और माइनस वाई वन का मान है चार का होल स्क्वायर, यानी ये हो गया चार और तीन सात माइनस सात का स्क्वायर और प्लस चार में से दो गया माइनस दो का स्क्वायर, तो ये हो गया आपके पास सात सत्ते उनचास और प्लस दो दूनी चार, तो यहाँ पर उनचास और चार ये हो जाएगा आपके लिए, आपके लिए 53, ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए आप एक जैसी दूरी आई है सभी, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके लिए जो सम चतुर्भुज है ये क्या है, सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है, तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि सभी दूरियाँ बराबर हैं, यानी ए बी बराबर बी सी और बराबर सी डी और बराबर डी ए, सभी दूरियाँ यहाँ पर बराबर हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो ये शीर्ष हैं, जो वर्टेक्स हैं, वो सम चतुर्भुज के शीर्ष होंगे। बात समझ में आ गई, तो यहाँ पर ये सवाल आपके लिए हो गया 13वां क्वेश्चन। अब आपके लिए जो है 14वां क्वेश्चन है, तो देखिए अब बच्चों यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, आपके लिए 14वां क्वेश्चन कराते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिए क्या है लिखा है, बिंदुओं दो कामा एक और यहां पर आपके लिए लिखा है पांच कामा माइनस आठ, ये लिखा है। इसी तरीके से लिखा है कि रेखाखंड को बिंदु P तथा Q तीन बराबर भागों में बांटते हैं, यानी एक बिंदु आपके लिए इसको मान लो P और इसको ही मान लो Q, ये दो बिंदु हैं, रेखाखंड हैं, को जोड़ने वाले रेखाखंड P तथा Q को तीन बराबर भागों में विभाजित करते हैं, यानी इसके लिए आपको तीन बराबर भागों में बांट देना है, एक भाग ये हो जाएगा और एक भाग ये हो जाएगा
और एक भाग ये हो जाएगा, तीन भाग हो गए। अब तीनों भागों के लिए आपके लिए निकालना है, तो कैसे निकालेंगे ध्यान से देखें। सबसे पहले यहाँ पर इसको फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड पार्ट और इसको थर्ड पार्ट, ये मान लिया हमने। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपके लिए अनुपात निकालना है। अनुपात कैसे है कि हम पहला अगर अनुपात निकालेंगे P और Q के बीच में, तो P बिंदु है 2,1 और Q बिंदु है हमारे पास 5,-8, ये है। अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो अनुपात होगा वो क्या है, देखो पहला अनुपात लेंगे तो यह 1:1 यहाँ, यहाँ 2:1, तो यानी पहला अनुपात हो जाएगा 1:2, 1:2 हो जाएगा। अब इसके लिए हम बिंदु निकालेंगे x, y बिंदु निकालेंगे। तो भाई निकाल लीजिए x, बिंदु पहला क्या है, इसके लिए इसे m मानते हैं, इसे n, तो हम निकालेंगे यहाँ पर बिंदु। इसकी 1 की गुणा 5 से करेंगे तो 1 5 5, यहाँ पर 5 हो गया। और इसी तरीके से यहाँ पर ये करिए, आप सबसे पहले m को लीजिए, तो यहाँ पर m को लेना है, इस तरीके से मैं लाइन खींच देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। 1 × 5 ये हो जाएगा 5। इसी तरीके से 2 की गुणा करेंगे तो यहाँ पर इससे करेंगे 2 से, तो हो जाएगा यहाँ पर 2 × 2 = 4 और बटे में 1 + 2, ये पहला कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 × 4 = 9 और बटे में 2 और 1 = 3, तो यहाँ 3 से कट जाएगा, 3 × 3 = 9, यानी 3 आ गया। x कोऑर्डिनेट हमारा आ गया 3। इसी तरीके से हम y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, 1 की गुणा -8 से होगी तो -8 प्लस 2 की गुणा 1 से होगी यहाँ पर, तो 2 हो जाएगा अपॉन में 1 + 2, तब आपके लिए कितना हो जाएगा, 8 में से 2 गया 6, माइनस का 6 बटे में 3 और 3 से काट देंगे, 3 × 6 यानी -2। अब ये हमारे पास बिंदु आ गए 3, -2। अब इन बिंदुओं से क्या है, आप यहाँ पर एक रेखा दी गई है और उस रेखा का मान कहाँ है, यहाँ पर कितना है, 2x - y + k, ये बराबर 0 है। अगर ये बिंदु इस रेखा पर स्थित है, यानी 3, -2 इस रेखा पर स्थित है, तो k का मान निकालिए कितना होगा। तो हम k का मान निकाल लें, देखो x की जगह पर मैं रख दूंगा 3 और y की जगह पर रख दूंगा -2, तो 2 × x का मान है 3 और -y की जगह पर -2 रख दूंगा, तो ये -2 हो गया प्लस का k बराबर 0, तो 2 × 3 = 6 और ये हो जाएगा आपके लिए -×+2 और प्लस k बराबर में 0, तो 6 × 2 कितना आ जाएगा, 8 + k = 0, यानी k बराबर आ जाएगा -8। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर k का मान -8 आ गया, यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि हमने आपके लिए बिंदु निकाल लिया और बिंदु निकालने के बाद सिंपली आपके लिए x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट को इस समीकरण में रख दिया, आपके लिए k का मान आ गया। तो अब देखिए बहुत सिंपल सवाल है, इसी तरीके से हम किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी चाह इसका वैल्यू यही आएगा k = -8। अब देखिए ये एक सवाल बचा है, 15वां सवाल, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म हो जाएंगे। दीर्घ के केवल 2 क्वेश्चन है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, लेकिन इससे पहले अभी एक सवाल बचा हुआ है, वो है 15 क्वेश्चन, ये आपको कराते हैं। देखिए बच्चों, अब आपके लिए लघु उत्तरीय का लास्ट ही बचा है 15वां क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। क्वेश्चन ये है कि यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष यहाँ पर दिए गए हैं, ABC के शीर्ष दिए गए हैं, यहाँ पर एक त्रिभुज है इस तरीके से, और ABC के शीर्ष दिए गए यहाँ पर, देखिए शीर्ष त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं, तो अगर हमने त्रिभुज मान लिया यहाँ पर ABC ये मान लिया, तो आपके लिए क्या करना है, इसके लिए ये जो दिए गए हैं त्रिभुज के ABC का शीर्ष 1, -7, -3 बी का जो है दिया गया है, और ये सब दिए गए हैं, ठीक है, इसकी माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सिंपली आप A का मान यहाँ पर रखिए, A का मान कितना है, A का मान यहाँ पर दिया गया है 7, -3 ये दिया गया है। इसी तरीके से B का मान दिया गया है 5, 3 और C का मान दिया गया है आपके लिए 3, -1 तो
तो इसकी मध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करिए, ये बताया गया है। तो इस पर तीन मध्यिकाएं खींची जा सकती हैं, एक तो ये खींची जा सकती है, एक ये खींची जा सकती है और एक ये खींची जा सकती है। तीन मध्यिकाएं खींची जा सकती हैं, आप देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले एक मध्यिका की हम आपको दूरी निकाल करके दिखाते हैं। तो मध्यिका की दूरी निकालने के लिए मुझे इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने पड़ेंगे। और इसको मान लिया मैंने एक्स कोमा वाई, ये मान लिया। अब देखिए एक्स कोमा वाई मान लिया, आप सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें इसके बीच के मध्य बिंदु के निकालेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो यहाँ पर निकालते हैं भाई, 7, -3 और b का मान है 5, 3। तो यहाँ पर इसको x1 मानो, इसको y1 मानो, इसको x2 मानो, इसको y2 मानो। तो आप x1 प्लस x2 बटे 2 करते हो और y1 प्लस y2 बटे 2 करते हो। x1 प्लस x2 यानी x1 का मान है 7 और x2 का मान है 5/2, y1 का मान है -3 प्लस y2 का मान है 3/2। तो 7, 5, 12 हो गया, 2×2=12, ये 6 आ गया। और यहाँ पर 3 में से 3 गया 0, 0/2 यानी 0 आ गया। तो 6, 0 इसके कोऑर्डिनेट हो गए। अगर 6, 0 इसके कोऑर्डिनेट हो गए मध्य बिंदु के निर्देशांक 6, 0, तो हम इनके बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो बीच की दूरी निकालते हैं भाई। देखिए हमारे पास सी कोऑर्डिनेट है 3, -1 और ये वाला आ गया हमारे पास 6, 0। तो इनके बीच की दूरी निकाल लीजिए। इसको मानिए x1, इसको मानिए y1, इसको मानिए x2, इसको मानिए y2। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर पहली मध्यिका निकाल रहे हैं x2 - x1, यानी 6 - x1 का मान है 3² प्लस y2 - y1 यानी y2 का मान है 0 - y1 का मान है -1, तो ये हो जाएगा +1². तो 6 में से 3 गया 3² और +1² और यहाँ पर 3 + 3 = 9 और +1 = 1 यानी रूट के अंदर आ गया 10। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने पहली बार आपको निकाल के दिखाया पहली मध्यिका जो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने इसके मध्य बिंदु निकाले थे, अब आप इसके मध्य बिंदु निकाल सकते हो भाई। इस बी कोऑर्डिनेट के मध्य बिंदु निकालोगे तभी इसके साथ दूरी ले लोगे, ठीक है। कैसे ले लोगे हम आपको एक बता देते हैं, ये वाला भी देखो, बीसी के मध्य बिंदु निकालोगे तो ये है 5, 3 और ये है 3, -1। तो आप मध्य बिंदु निकाल लो, 5 + 3/2 3 और -1 = 2, 5 + 3 8/2 और ये जाए 3 में से 1 = 2/2 यानी 1 आ जाएगा इसके लिए और इसके लिए 4। तो 4, 1 आ गया इसके बिंदु और जब 4, 1 आ गया तो इसके बीच की दूरी निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, 4, 1 और लिखेंगे 7, -3 इसके बीच की दूरी निकाल लो, क्या हो जाएगा 7 - 4² + -3 - 1² यानी 7 में से 4 गया 3² और प्लस 3 और 1 = 4 हो जाएगा -4² तो 3×3 = 9 + 4×16 16 और 9 = 25 और 25 का√5। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं सभी के बीच की दूरियां आप निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आप दो को आपको हमने दो निकाल के दिखा दी, आप तीसरी अपने आप निकाल सकते हो। सबसे पहले मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल लेंगे और इसकी यहाँ से बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो आई होप आप ये सब क्वेश्चन समझ गए होंगे। और आपके लिए अगली नेक्स्ट वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 16 और 17 दो प्रश्न बचे हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे और आपका निर्देशांक ज्यामिति पूरा खत्म हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।